Hello, my dear students. Welcome back to Balaji Online Classes. I am Sadia Khatoon, and today I'll be teaching you Mathematics of Class 7th. I'll be teaching Chapter Number 10 of your textbook, which is Practical Geometry. Practical Geometry means the construction of geometrical figures, right? इसमें हम लोग construction करेंगे using different geometrical instruments. So you need to have a geometry box with you, so that आप सारे मैं आपको एक बार instruments दिखा दे रही हूँ. You can just see कि आपके पास कौन-कौन से instruments होने चाहिए. First one is this one. That is a pair of compasses. Then you should have a protractor with you. Then you should have a ruler with you. Pencil, a sharpened pencil. Okay? And then आपके पास set square होने चाहिए. वैसे अभी आपको इसमें set square का use नहीं है. आपने class 6th में use किया था set square का for drawing the perpendiculars. In this class आपका अभी set square का use नहीं है. So these are the set squares and ये होता है divider. ठीक है, तो मैंने आपको geometrical instruments दिखा दिए हैं. So let's get started with the first construction that we have to do. तो हमें क्या क्या चीज़ें इस बार कंस्ट्रक्ट करनी है. आपको डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे एंड देन आपको पैरेलल लाइंस का कंस्ट्रक्शन करना होगा. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो चिल्ड्रन, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन विच देर इज अ लाइन गिवन टू यू एंड यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू दिस लाइन. आपको इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, सो व्हाट यू विल डू, आपको सबसे पहले टू पॉइंट्स ले लेने हैं इस लाइन पर एंड देन आप उस पॉइंट पर कंपास नीडल रखकर एक सेमी सर्कल यहाँ से यू से और एक सेमी सर्कल दूसरे पॉइंट से आप ड्रॉ करेंगे. ओके, जहाँ पर वो सेमी सर्कल इस लाइन को कट कर रहे होंगे आप उनको मार्क कर लीजिए एज ए एंड बी पॉइंट्स. एंड देन फ्रॉम ए आप ए पर कंपास नीडल रखिए और एक आर्क कट करिए. इसी तरह आप बी पर एक अपना कंपास नीडल रखेंगे और यहाँ पर आर्क कट करेंगे इस सेमी सर्कल को. यू विल गेट टू पॉइंट्स, इस पॉइंट को एम और इस पॉइंट को एन मार्क करके यू कैन जॉइन दीज एंड देन यू विल गेट अ लाइन. आप इस लाइन का नाम एम रख सकते हैं. सो दिस लाइन एम विल बी पैरेलल टू लाइन एल. द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नंबर टू इन विच आपको डिस्टेंस दिया रहेगा कि जो पैरेलल लाइन एल है आपको इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है बट एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. सपोज आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको उतना ही डिस्टेंस जितना आपको दिया गया है उस पर आप एक आर्क लगाएंगे. यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया गया है. आर्क कट किया पॉइंट बी पर. नाउ यू हैव टू मेक पॉइंट अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट बी ऑल्सो. सो दिस इज पॉइंट बी एंड देयर इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पॉइंट बी. ओके, नाउ एक्सटेंड दिस लाइन एंड दिस लाइन एम विल बी पैरेलल टू लाइन एल. ओके, तो आपको ये डिस्टेंस बीच का दिख गया. दिस इज 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस. जितना भी आपको डिस्टेंस दिया रहेगा दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आप उतना डिस्टेंस इनके बीच में रख सकते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज जहां पर आपको एक पॉइंट दिया रहेगा कि इस पॉइंट से पास होती हुई आपको लाइन ड्रॉ करनी है. पैरेलल भी होनी चाहिए और इस पॉइंट से पास होनी चाहिए. ठीक, तो फर्स्ट इज दैट यू विल ड्रॉ, यहाँ पर आप पहले ज्वाइन कर दीजिए उन दोनों पॉइंट्स को. ठीक है, जिस जगह पर वो पॉइंट ज्वाइन हो रहा है आप यहाँ पर एक सेमी सर्कल और दूसरा विद द सेम रेडियस आप पी पर कंपास नीडल रख के एक आर्क लगा देंगे. ओके, नाउ कंपास नीडल को आप रखेंगे एम पॉइंट पर और एक्सटेंड करके एन तक लाना है आपको कि आपकी पेंसिल एन तक आ जाए. उतना रेडियस लेने के बाद आपको आर से एक आर्क लगाना है और वो आर्क कट करेगा एट पॉइंट एस. इस तरह से कट हो गया. नाउ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस पॉइंट टी, दीज विल बी जॉइंट. आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट अ पैरेलल लाइन. आप देख सकते हैं ये लाइन एन, इट इज पैरेलल टू लाइन एम. स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स. Triangles can be constructed based on the information that is given to you. Sometimes it may happen that all the three sides of the triangle are given to you. So that means SSS, side, 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 all the three sides are given. So in that case, how are you going to draw the or construct the triangle? आपको कोई एक side pick कर लेना है और आप उससे उसका triangle का base बना लेंगे.
ठीक है, सपोज देर इज अ ट्राइंगल ए बी सी, आपको ए बी लेंथ पता है, बी सी लेंथ पता है और सी ए भी लेंथ पता है, ठीक। कोई भी इसके मैं सपोज ले रही हूँ 5 है, ये 6 है, दिस इज 4, ठीक। सो व्हाट यू विल डू, आप एक कोई सेलेक्ट कर लीजिए कि जिसको आप बेस बनाना चाहते हैं, सपोज बी सी को आप बेस बनाना चाहते हैं, सो यू विल ड्रॉ बी सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे यूजिंग अ रूलर एंड अ पेंसिल 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद आपको देखना है कि ए से बी, अब ए पॉइंट कहीं ऊपर होगा बिकॉज दिस इज अ ट्राइंगल, तो ए पॉइंट से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ कंपस, कंपस में आप रूलर से, रूलर की हेल्प से व्हाट यू विल डू, आप मेजर करेंगे और देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर कितना है, ठीक। आपने देख लिया कि हाँ इतना 5 सेंटीमीटर है, तो आप बी पर रखेंगे कंपस नीडल और आर्क लगा देंगे ऊपर 5 सेंटीमीटर का। सिमिलरली आपको 4 सेंटीमीटर लेना है कंपस पे अपने और फिर आर्क लगा देना है, कट कर देना है यहाँ पर। सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी पॉइंट ए। नाउ यू हैव टू ज्वाइन लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक। आप लोग रूलर से ज्वाइन करिएगा, ये मेरा रफ फ्री हैंड डायग्राम है, तो इस वजह से इट कैन हैव सम यू नो irregularities, but आपको जब आप रूलर से पेंसिल, शार्प एंड पेंसिल से जब कंस्ट्रक्ट करेंगे, इट विल लुक वेरी नीट एंड क्लीन, इट शुड लुक वेरी नीट एंड क्लीन। कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत प्रिसाइसली और एक्यूरेटली करना होता है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, जिसमें आपको साइड 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 दिया होता है। समटाइम्स द क्वेश्चन कैन कम जिसमें आपको एक एंगल दिया होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कोई आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, 2 लाइन सेगमेंट्स आपको दी हुई हैं, ए बी फॉर एग्जाम्पल एंड बी सी, इनकी आपको लेंथ दे दी गई, ठीक। वही मैं फिर से ले रही हूँ, 6 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बी सी, और आपको एक एंगल दे दिया गया है। एंगल सपोज कहा गया कि एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो बी पर आपको बनाना है 60 डिग्री का एंगल। अब 60 डिग्री इधर यू कैन ड्रॉ इट यूजिंग अ कंपस और यू कैन ड्रॉ इट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, बिकॉज आपने क्लास 6th में कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल आप ये 60 डिग्री आप दोनों तरह से बना सकते हैं, कंपस से भी, प्रोट्रैक्टर से भी। जब मेंशन नहीं होता है दैट इज अप टू यू, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा। अगर आप कंपस से बनाना चाहते हैं तो मैं बता दे रही हूँ कि कैसे आप ड्रॉ करेंगे, लेट्स डू अ रिकॉल। बाकी प्रोट्रैक्टर से तो इट्स वेरी वेरी इजी। कंपस से ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर रखकर आपको बनाना है सेमी सर्कल, फिर यहाँ पर कंपस नीडल रख के यू विल कट एन आर्क। ये हो गया 60 डिग्री एंगल। अब आपको देखना है कि ए बी जो भी लेंथ दी होगी, सपोज ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर रखेंगे कंपस नीडल और कंपस पे आप लोग मेजर कर लीजिएगा 5 सेंटीमीटर कितना है, ठीक। कंपस पे मेजर करने के बाद यू विल कीप द कंपस नीडल हेयर एंड यू विल कट एन आर्क। यहाँ पर जब आर्क कट हो गया, दिस इज पॉइंट ए। अब आपको पॉइंट ए मिल गया, आप सिंपली इसको सी से ज्वाइन कर दीजिए। कुछ आपको नहीं सोचना है, ना आपको लेंथ के बारे में देखना है, ना आपको एंगल के बारे में देखना है। अब ये पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक। तो जब भी कभी आपको एंगल दिया होगा, 1 एंगल इज गिवन एंड 2 साइड्स आर गिवन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एस ए एस टाइप है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज ए एस ए टाइप। You can see angle, side angle. So 2 angles will be given and 1 side will be given. Let's take an example. Suppose there is a triangle ABC that you have to construct. BC length is given, for example, 6 cm. Angle B is given, angle C is given. Okay? Angle B aapko kuch de diya gaya, for example, 50 degree. Angle C de diya gaya, 70 degree. And you have to construct this triangle. So what you will do, you will first draw the base BC, jo ki 6 cm hai. एंगल बी आप ड्रॉ करेंगे यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, क्योंकि 50 और 70 हम लोग कंपस से यूजुअली ड्रॉ नहीं करते हैं, सो यू विल टेक द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर एंड प्रोट्रैक्टर रख के आप 50 डिग्री ड्रॉ करेंगे। आपको ये पता नहीं है कि ये लाइन कहाँ तक जा रही है, राइट। आपने ऐसे ही सिंपली इसको ड्रॉ कर दिया विदाउट एनी डेफिनेट लेंथ। फिर आपको बनाना है 70 डिग्री एंगल सी। एंगल सी पर आप प्रोट्रैक्टर रख के एंगल सी ड्रॉ करेंगे 70 डिग्री का, और आप इसको देख लीजिए कि कहाँ, जहाँ तक भी ये जा रही है आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए। दे विल कम अ पॉइंट जहाँ पर ये दोनों आके मीट करेंगे, दे विल इंटरसेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस विल बी पॉइंट ए। तो आपको ये मिल गया ट्राइंगल, जिसमें एंगल बी 50 डिग्री आपको मिल गया, एंगल सी 70 डिग्री,
इसमें पूछा नहीं गया है. समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज एंगल ए, तो व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई एंगल सम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, जिससे पता चलता है कि ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल सम अप टू 180 डिग्री. तो 50 प्लस 70 आप करिए 120 हुआ, 180 से माइनस करेंगे इट विल गिव यू 60 डिग्री. तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं. समटाइम्स व्हेन द थर्ड एंगल इज नॉट गिवन, तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. द लास्ट टाइप ऑफ एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज RHS. RHS means there is a triangle जिसमें right angle triangle हो, right angle triangle, hypotenuse and one side. ठीक, तो जब right angle triangle बता दिया गया है, it means आपको 90 degree तो draw करना ही करना है. आपको एक side दिया होगा, ठीक, वो side आप base बना लेंगे. ठीक, RHS है इसका मतलब right angle होगा. यहाँ पर you will draw a 90 degree angle. 90 degree angle को चलिए हम लोग recall करते हैं, आपने class 6th में पढ़ा था. You will draw a semicircle like this by keeping the compass needle here. अब compass needle हम यहाँ पर रखेंगे और draw करेंगे, ये 60 degree का हो गया. फिर यहाँ पर रख के हम draw करेंगे, ये 120 degree का हो गया. अब यहाँ पर रख के हम ऊपर mark करेंगे arc, और 120 पे भी रख के हम ऊपर mark करेंगे. Now you will join like this. This will give you 90 degree. आप इसको ऊपर तक extend कर सकते हैं, because अभी हमारे पास कोई fixed length नहीं है. अब आता है, suppose this is B, C. एंगल ए बी सी आपको ड्रॉ करना था, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री था. 90 डिग्री हमने मार्क कर लिया है. जो बेस बी सी हमें दिया था, सपोज 5 सेंटीमीटर, वो भी हमने मार्क कर लिया है. दो चीज़ें हो गई, बचा क्या, हाइपोटन्यूज, मतलब आपको ये चीज़ भी दी होगी. हाइपोटन्यूज जो भी होगा, दैट मीन्स ए सी, ए सी की आपको कोई लेंथ दी होगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है. सो वॉट यू विल टेक, यू विल टेक द कंपस एंड द रूलर, और आप उसमें 4 सेंटीमीटर अपने कंपस पर मार्क कर लेंगे लाइक दिस. After taking the compass, आपको जब fixed हो जाए कि ये 4 सेंटीमीटर है, you will keep the compass needle on C point. यहाँ पर रखना है और फिर अपने compass से cut कर देना है इस perpendicular line को, right? जिस भी point पर वो cut करेगा, that point will be point A, and you will simply join it using a ruler. So by this, you get a right angle triangle. राइट एंगल एट बी, जिसमें आपको क्या क्या चीजें पता थी. आपको हाइपोटेन्यूज पता था, राइट एंगल है ये पता था, और एक साइड पता थी, वो साइड आप उसको बेस बना सकते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस वॉज इट, योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंस्ट्रक्शन. इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, बिल्कुल अच्छे से. आपका जरा सा भी इधर से उधर मूव होगा, द कंस्ट्रक्शन विल गेट रॉन्ग. और आप एंगल जब मेजर करेंगे, आपको दिखेगा कि ये रॉन्ग आ रहा है. कभी प्रॉपरली कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा, कभी आर्क सही से कट नहीं कर रहे होंगे. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज ऑल कॉम्प्लिकेशंस, आपको बहुत प्रिसाइज रहना है. पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए, ब्लंट पेंसिल यूज मत करिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा वैरी कर सकता है आपका कंस्ट्रक्शन वर्क. सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. And the solutions of this will be, this chapter will be provided on School Mitra app. You can download it from there and you can complete your work. Do remember Sadhya Ma'am's rule that maths comes by practice.